हेलो, गुड इवनिंग. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. ओके, एम आई ऑडिबल? इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, so in the last lecture we had studied about some biological part, that is cell structure and various organelles in the cell. So हमारा वो chapter खत्म हो गया था, right? याद है आप सबको, जो cell structure and organelles in the cells, ये वाला जो chapter था वो हमारा खत्म हो गया था, biology का part. आज हम start करेंगे structure of the atom. Okay, जो आपका fourth chapter है. Is the screen visible, like readable? Okay, very good. So now in chapter 3, we have learnt that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. Right? Jo basic cheez hoti hai, jisse koi bhi cheez banti hai. Like hamare jo biological cells hai, wo bhi kise banegi? So at the end, it is made up of atoms and molecules. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. Now the question arises, what makes the atom of one element different from the atom of another element? Matlab kya ki do atoms mein farak kya hota hai? And the second one is, are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atom? तो अभी जैसे हमने यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, और सॉरी एक मेजर मैटर है, उस वो किस चीज़ से बना है. तो वो बना है किसी एलिमेंट से, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स, और फिर एकदम नीचे आ जाएगा एटम, विच इज़ बेसिक यूनिट. जैसे हम लोग बोल रहे थे कि बायोलॉजी में अगर हम कोरिलेट करने जाए तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बट इज इट सेल द अल्टीमेट पार्ट, उससे छोटा कुछ है क्या? तो हाँ, जिस चीज़ से सेल बनी है, वैसे ही हमारा केमिस्ट्री में भी कंपैरिजन है. जैसे सबसे बेसिक यूनिट हमने देखा कि एटम है, बट आर द एटम्स रियली इंडिविजिबल? मतलब ऐसा है क्या कि एटम्स का फर्दर कुछ नहीं है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, या फिर उनके अंदर भी और कुछ चीजें हैं? सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल सीखा, वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब क्या कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, राइट? तो अभी वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि हर एक एटम, मतलब एलिमेंट बनता है, मॉलिक्यूल बनेगा, मैटर बनेगा, बट हर एक एलिमेंट अलग क्यों है? वो अलग है क्योंकि वो उस एटम में कुछ तो चेंजेस है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स व्हिच मेक्स दैट एलिमेंट डिफरेंट? ये फर्स्ट क्वेश्चन. और सेकेंड चीज, आर एटम्स इंडिविजिबल? मतलब उनके नीचे और कोई भी चीज नहीं है, या फिर ऐसी चीज है कि एटम्स और भी कुछ चीजों से, बारीक बारीक चीजों से बने हुए हैं? ये दो सवाल हमारे सामने अभी है, तो इनके आंसर हमें ये चैप्टर में ढूंढने हैं. वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम. तो जैसे अभी ही हमें समझ में आ गया कि एटम इज नॉट समथिंग विच इज द स्मॉलेस्ट, उससे भी नीचे आ जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक मतलब क्या कि वो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे, और जिनका हमें स्टडी करना है. और अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये एटम्स, कुछ एटम्स के अंदर कुछ ना कुछ तो है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी चीजें हमें अभी पता है. बट जैसे सेल का हमने पढ़ा था कि किसी ने इन्वेंट किया, किसी ने रिसर्च किया उस पर, तब पता चला कि ये चीज के अंदर ये सारी चीजें हैं. तो ये कैसे रिसर्च हो गया, कैसे समझ में आ गया कि एटम ये सबसे छोटी चीज नहीं है? जैसे पहले माना जाता था कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट थिंग्स, उसके बाद पता चला नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसके नीचे एटम्स है. तो एटम्स के नीचे और क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए कौन सी प्रोग्रेस हो गई, वो भी हमें पढ़ना है. अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties.
द एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो कोई भी चीज़ के नतीजे तक पहुँचने में हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं. और ये सब हमें क्यों पढ़ाया जाता है? तो देखो, हमें क्या सीखना है कि एक साइंटिस्ट को उसने क्या सोचा और वो किस कंक्लूजन पे पहुंचा था. फ्रॉम दैट कंक्लूजन व्हाट नेक्स्ट साइंटिस्ट हैव थॉट कि इसके आगे क्या हो सकता है, ये उन्होंने सोचा, उस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया. एक साइंटिस्ट ने मिलके पूरा का पूरा स्टडी नहीं किया है. ओके, इन हिज करियर व्हाट ही और शी कैन डू, तो एक कंक्लूजन पे आए. वो कंक्लूजन पे दूसरे साइंटिस्ट ने वो कंक्लूजन उठा के उसमें से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए और फिर वो एक कंक्लूजन पे आए. ऐसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि व्हेन वी विल बिकम समवन इन रिसर्च हमें क्या करना है. राइट, तो हमारा काम क्या होगा? अभी यहाँ तक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सो व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ रिसर्चर. राइट, तो ये हमें सीखना है. और जब हम लोग ये पढ़ेंगे, ना सिर्फ इस पे फोकस करो कि जो एग्जाम में आप आंसर लिखोगे कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होता है, वो तो ठीक है, वो तो हमें करना ही है, बट उसके साथ ये भी देखो कि जब एक साइंटिस्ट ने अगली बार एक का इन्वेंशन होने के बाद उसमें क्या पिटफॉल्स उसे दिखाई दिए और फिर उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाई डिफरेंट सब्सटेंसेज. सो द आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर. विच चार्जेस विल बी देयर ऑन विच चार्जेस आर रेफर्ड टू इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. चार्ज्ड पार्टिकल्स, कौन से दो मेन चार्जेस है दैट दैट एटम पर्टिकुलर एटम विल कैरी? पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज. राइट, और इसी पे अभी हमें आगे डिस्कस करना है. यही सारी चीज़ों को नजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि एक पे निगेटिव चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे कुछ चार्ज नहीं होगा. ये तीन चीज़ों के बेसिस पे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा. फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज. कोम्ब ड्राई हेयर. डज द कोम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर? रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर इन्फ्लेटेड बलून. ऑब्जर्व वॉट हैपन्स. तो ये एक्सपेरिमेंट तो हमने बचपन में किया है, इससे क्या क्या होता है वो आपको पता है. फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कैन बी कंक्लूड दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टूगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, अभी देखो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है. अगर आपने स्केल को या किसी भी प्लास्टिक वाली चीज को आपके हेयर के ऊपर रख किया और वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर पे रखा, तो क्या होता है? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? हमने ये बचपन में सबने किया है. क्या होता है वहां पे? यस, प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स. क्या होता है आपने देखा है? वो स्केल पे चिपक जाते हैं, है ना? वो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं पेपर के, वो स्केल पे आ जाके चिपक जाते हैं. सेम इज द कंडीशन विथ ग्लास रॉड. वो भी ऐसे ही चिप, मतलब एक दूसरे के पास वो अट्रैक्ट होंगे. तो जब ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि ऐसे अट्रैक्शन होता है, तब भी इसका मतलब हुआ कि जब कोई चीज एक दूसरे पर रब हो रही है तब उसमें कुछ तो चार्ज जनरेट हो रहा है, और जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो रहा है और जिसकी वजह से ये दो चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिविलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम. इट वॉज नोन बाय 1900 दैट द एटम वॉज नॉट अ सिंपल इन डिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन एटॉमिक सब वन सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे जे थॉम्सन. तो जे जे थॉम्सन वॉज द फर्स्ट वन हु फाउंड आउट दैट. अभी हमें जो एंड रिजल्ट पता है वो अलग है थोड़ा सा, बट देखो यहाँ पे किस कंक्लूजन तक लोग पहुंचे थे कि सब एटॉमिक पार्टिकल एटलीस्ट एक तो होगा ही. एटलीस्ट वन मतलब देयर कैन बी मोर देन वन. तो एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल है और जो कि तब डिफाइन किया गया इलेक्ट्रॉन होगा. विच चार्ज एन इलेक्ट्रॉन कैरीज? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है?
Yes, losing or gaining of electrons is the phenomena which we'll be studying afterwards. Electron pe negative charge hota hai, correct. Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged radiations, which ultimately led to the discovery of अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल. तो जैसे देखो, एक सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन्स. द सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन, विच वॉज द रेडिएशंस दैट वर एमिटेड, दे वर पॉजिटिवली चार्ज्ड. दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट. इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन. इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई माइनस एंड प्रोटॉन एज पी प्लस. तो अभी जैसे देखो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिमिलैरिटी क्या है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उसका जो मास होगा वो प्रोटॉन का ज़्यादा है देन इलेक्ट्रॉन, और चार्जेस एग्जैक्ट अपोजिट है. इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज. The mass of a proton is taken as one unit and its charge as plus one. The mass of electron is considered to be negligible and its charge is minus one. तो जैसे mass of proton को हम लोग consider करते हैं, okay, which is 2000 times greater than that of electron. तो अगर हम proton के charge mass को ही one consider कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 2000 times less electron का mass होगा and that's why it is considered to be negligible. उसका कुछ ऐसा प्रेजेंस अलग से सिग्निफाई नहीं कर पाते हम लोग. इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एन एटम वॉज कम्पोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस. सो जितने जैसे पहले ही इसमें हमने पढ़ा कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा अजम्पशन है. और विच विल बी बैलेंसिंग, म्यूचुअल बैलेंसिंग होगा प्लस माइनस का. सो द न्यूट्रल सो द टोटल चार्ज विल बी जीरो. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be peeled off, but not protons. क्यों? क्योंकि electrons को जल्दी से exchange हो पाएगा, but protons का नहीं होता है. तो ये simple experiment है ना, कि जिसके साथ हम ये पता कर सकते हैं कि electrons का exchange हो रहा है, मतलब वो बाहर ही कहीं पे होंगे और protons तक पहुंचना difficult है, which means that it will be there inside somewhere. Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? We will find the answer to this question below. तो हमें अब पता है, देखो कि हमें अब पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो दिखता है एटम, प्रोटॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड है, ये सारी चीजें फाइनल कंक्लूजन में आई. अभी हम चैप्टर को कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं था. दो साइंटिस्ट को इतना पता चला था कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ ना कुछ तो होने चाहिए, और जो है उसमें से कुछ निगेटिवली चार्ज है और कुछ पॉजिटिवली चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज का मास ज्यादा है 2000 टाइम्स मोर देन द निगेटिवली चार्ज, और जो भी बाकी के कैरेक्टर्स है दैट्स इट. उसका फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है अभी तक. सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggested that the atom was indivisible and indestructible. So, देखो, ये एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि एटम जो होते हैं, दैट इज द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, उनसे नीचे हम नहीं जा पाएंगे. बट हमने अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये देखा कि दूसरे दो साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है. एटम्स कैन बी डिवाइडेड, उसमें और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का प्रेजेंस भी है. But the discovery of two fundamental particles, electrons and protons, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. Right? है उनका presence है ये तो हमें पता चला है. But what is their arrangement is also important, because उसके मतलब arrangement के ऊपर ही बहुत सारे characters भी dependent है atom के. For explaining this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of the atom. So first we'll learn about Thomson's model, जो उन्होंने पहले study किया. अभी देखो scientists के पास क्या क्या information है. पहले तो उनको बोला गया था कि atomic indivisible है, but what they found was atoms can be divided और उनमें charged particles है.
और अब भी उन्हें बस ये पता करना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स दैट इज ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, वेल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। सो वॉट देवर थिंकिंग इज, जैसे नीचे मॉडल दिखाई दे रहा है आपको, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, आपने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा वो अभी, तो वाटरमेलन को इमेजिन करो, जो बाहरी हिस्सा है, जो बाकी का रेड पल्प है, वो सारा है पॉजिटिव चार्जेस है। क्यों ऐसा अजम्पशन क्यों आया होगा? तो सिंपल रीजन इज दैट द मास ऑफ द प्रोटॉन वॉज 2000 times मोर देन द इलेक्ट्रॉन। सो थिंकिंग विल बी लाइक दिस ओनली, दैट जो बहुत सारा पार्ट होगा दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय अ प्रोटॉन एंड द लेस पार्ट विल बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये मतलब जैसे रिसर्चर क्या करेगा कि जो साइंस में उसे सामने दिख रहा है उसी के ऊपर वो कुछ ना कुछ तो गेस करेगा, और फिर जो गेस उसने किया है उसको प्रूव करेगा। तो जैसे इसमें इन्होंने क्या गेस किया, किस चीज़ पे डिपेंडेंट, मास का स्टडी किया, राइट? मास ही ज़्यादा था, बाकी सारी चीज़ें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की सेम थी, बाकी कुछ अलग नहीं था। तो मास ज़्यादा है मतलब उसका ही ज़्यादा प्रपोर्शन विल बी ऑक्यूपाइड। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि एक वाटरमेलन जैसे सर्कल होगा, रेड पल्प जो होगा वो प्रोटॉन का होगा, और सीड्स के जैसे इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहे होंगे। फेयर इनफ, जो उन्हें दिखा था उसके ऊपर से ये जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला वो था, वो सही था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट ही हैज टू डू ऑन दिस थियोरी, दैट ये हो जाने के बाद इसको प्रूव करना है, या तो कोई आके उसको डिसप्रूव करेगा दैट दिस थिंग व्हाट एवर ही हैज इमेजिंड इज आइदर करेक्ट और रॉन्ग बेस्ड ऑन द प्रूफ दैट समवन विल गिव। जे जे थॉम्सन अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट वॉज बॉर्न इन चिथम हिल अ सबर्ब ऑफ मैनचेस्टर ऑन 18 दिसंबर 1856। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 years एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वन नोबेल प्राइजेस। सो थॉम्सन प्रपोज वट ही प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल्दो थॉम्सन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल एज वी विल सी बिलो। तो जैसे देखो, अभी इन्होंने प्रपोज किया, इनको जो लगा उसके बेसिस पे, अब अदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें पता चला कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जो दो कंक्लूजन्स निकले हैं वो सही नहीं है, राइट? तो अभी अगले एक्सपेरिमेंट्स हम स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर व्हाट थॉम्सन हैज प्रपोज्ड, उनके जो दो कंक्लूजन्स है एटम को लेके, यू हैव टू रिमेंबर दैट, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम। सो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू राइट इज व्हाट थॉम्सन हैज प्रपोज्ड एंड द स्ट्रक्चर दैट ही हैज ड्रॉन। जो ऊपर का पार्ट है वो सिर्फ आपके समझने के लिए है, इफ यू डोंट राइट इट इट इज ऑल्सो फाइन, बट द टू थिंग्स दैट ही हैज प्रपोज्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, बिकॉज डायग्राम विल एक्सप्लेन दैट येस यू हैव अंडरस्टूड द थिंग दैट ही हैज सेड। नाउ द नेक्स्ट इज रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो जैसे जे जे थॉम्सन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द एटम, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एम्बेडेड तो नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा उन्हें और कुछ पता करना था। सो व्हाट ही डिजाइंड वॉज एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। तो जैसे यहाँ पे देखो, अल्फा पार्टिकल्स अल्फा रेज है और गोल्ड फॉइल है, जो छोटे छोटे गोल और उसमें डॉट्स दिख रहे हैं, सो दैट इज गोल्ड एटम्स। तो वो गोल्ड फॉइल पे ही मेड श्योर दैट द अल्फा पार्टिकल्स विल हिट। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 atoms थिक। तो इतना बारीक उसको चाहिए था, इसलिए ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयन्स सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4
व्हाट इज दैट सिंबल यू, व्हाट इज द यूनिट कॉल्ड फॉर यू, कैन यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, देर इज रिटन एज सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 u, हम वो यू को क्या प्रोनाउंस करते हैं, डू रिमेम्बर? जिसका एटॉमिक थियोरी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उससे आपको याद आ जाएगा, ऐसे लिखा है ना वहां पे 4 u, सो व्हाट डज दैट यू टेल अस? इट्स डाल्टन, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन. ओके, सो नाउ उनका एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि अल्फा पार्टिकल्स को जब वो पास करेंगे तो ड्यू टू लार्ज मास ऑफ द प्रोटॉन दोज अल्फा पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड. डिफ्लेक्टेड का मीनिंग पता चला, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, दे विल नॉट फॉलो दैट स्ट्रेट लाइन, दे विल गो समवेयर एल्स, दोज रेज विल, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, द बेस्ट पार्ट ऑफ द साइंस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, इफ यू गेट दैट समथिंग ओके, द रिजल्ट आर अकॉर्डिंग टू योर एम एंड ऑब्जेक्टिव, इफ यू डोंट गेट समथिंग कैन यू लीव दैट एक्सपेरिमेंट? नो, वॉट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट यू गॉट, यू हैव टू थिंक ओवर दैट ऑल्सो, कि आपको क्या जो भी कुछ मिला है उससे आप क्या कंक्लूजन कर पा रहे हो. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. अभी जैसे देखो उसका उन्होंने जो पॉस्टुलेट्स रखे थे, उन्होंने जो दिमाग में सोचा था वो ऐसा था कि अल्फा पार्टिकल्स हेवियर है प्रोटॉन से, राइट, 4 daltons उनका मास है, और प्रोटॉन्स का जो मास होगा वो हम लोग 1 dalton कंसिडर कर रहे, 1 unit कंसिडर कर रहे, तो उससे ज़्यादा हेवियर है, राइट, अल्फा पार्टिकल्स. तो एज दे आर हेवियर, व्हाट विल हैपन दैट ज़्यादा डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, बट फिर उन्होंने क्या किया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पास स्ट्रेट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स. जैसे आप एक्सपेरिमेंट में देख पाओगे कि थोड़े से एंगल में कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया. सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपियर टू रिबाउंड, मतलब वो उल्टा घूम के वापस आए. ठीक है, उसका सिंपल लॉजिक था कि एक भी पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स या सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में चले जाने चाहिए थे, ज्यादा डिफ्लेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था, बट व्हाट वी ऑब्जर्व दैट सम लिटरली रीबाउंड, पूरे के पूरे उल्टे आ गए. इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू. सो ही वॉज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विथ द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. तो अभी जैसे ये सारे उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके हिसाब से आगे क्या हुआ, लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विद हिज आइज क्लोज्ड, लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, ही विल हियर अ साउंड वेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल, इफ ही रिपीट दिस 10 times ही विल हियर द साउंड 10 times, बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो अ स्टोन्स एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हर्ड, दिस इज बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम. फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन साइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन चाहिए था वो दिखा नहीं, सारे स्ट्रेट लाइन में चले गए. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस. अब देखो जो पहला थॉमसन का मॉडल था उसके हिसाब से क्या था कि पूरा का पूरा जो एटम है वो मोस्टली प्रोटॉन से ही बना है, पॉजिटिव चार्ज से ही बना है, थोड़ा सा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट इन रियलिटी जब एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ तब ऐसा नहीं दिखा,
उससे उल्टा देखा कि प्रोटॉन से तो थोड़ा सा ही कुछ तो पार्ट ऑक्यूपाइड रहेगा। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड मास मतलब क्या कि प्रोटॉन्स ही हेवीली हेवी मास है उनका, तो इसलिए ये प्रोटॉन्स का जो होंगे वो कहीं पे बीच में अटके हुए हैं, ना कि पूरा एटम प्रोटॉन का बना है और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन से ऐसा नहीं हो पाएगा, इतना यहाँ तक समझ में आ गया ये एक्सपेरिमेंट से। फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10^10^5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। तो अभी फाइनली रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया जिसमें उन्होंने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस एटम से छोटा है, मतलब न्यूक्लियस विल बी देयर समवेयर इन द एटम, न्यूक्लियर न्यूक्लियस विल नॉट बी लार्जर इन साइज देन दैट ऑफ द एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल विच हैड फॉलोइंग फीचर्स। देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम विच ही कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर पाथ। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ओके, तो ये पॉस्टुलेट्स जो है जो हमने अभी तक मॉडल्स देखे हैं उसके हिसाब से ये सब सही है, राइट? ये उसी चेन में जा रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज और जो पूरा मास है वो सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन्स विच इज नेगेटिव चार्ज, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस इन अ सर्क्यूलर पाथ। नाउ द नेक्स्ट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अभी जैसे ये दी गई एक्सप्लेन की गई थियोरी है उसके साथ साथ ही कुछ ना कुछ पिटफॉल्स भी होते हैं तो जिनके बेसिस पे न्यू एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया जाता है। तो अभी जैसे ड्रॉबैक्स क्या है इसके, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो उतना स्टेबिलिटी के साथ तो नहीं घूम रहे होंगे। एनी पार्टिकल इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सिलरेशन, राइट? एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है? हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? एक्सिलरेशन, सिंपल इंग्लिश वर्ड का मीनिंग एक्सिलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा कि उनका स्पीड जो होगा वो ट्रैवलिंग का बढ़ेगा या कम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। व्हेन दे आर मूविंग इन अ सर्क्यूलर मोशन देयर मूवमेंट विल नॉट बी स्टेबल। एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से वो नहीं घूमते रहेंगे। ड्यूरिंग एक्सिलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। तो उससे क्या होगा, अभी जैसे मोशन है तो उस वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी विल बी एक्सपेल्ड आउट। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहे हैं तो घूमने की वजह से एनर्जी जो उनमें है वो मूवमेंट की वजह से एक्सपेल आउट होती रहेगी एंड फाइनली दे विल रन आउट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स वाई दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। क्योंकि क्या होगा कि हर बार वो न्यूक्लियस में गिरता रहेगा। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। इंस्टेड ऑफ दैट अनस्टेबिलिटी तो हमें कहीं पे नहीं दिखाई देती। हम क्या देखते हैं कि जो एटम्स है वो स्टेबल है और उसकी वजह से जो मैटर है दैट इज अल्टीमेटली स्टेबल। सो नाउ यूजिंग दीज ड्रॉबैक्स अभी नेक्स्ट मॉडल प्रपोज हुआ। जैसे पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि प्रोटॉन्स हेविली मास्ड है और वो कहीं प्रोटॉन्स है और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, इतना ही पता चला था। उसके बाद हमें ये पता चला नहीं, इसके एग्जैक्ट अपोजिट है। प्रोटॉन्स आर देयर इन द मिडिल इन द रिसाइडिंग इन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्क्यूलर मोशन। बट अब भी जो नेक्स्ट थियरी है उसके हिसाब से, ये ड्रॉबैक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सर्क्यूलर मोशन में नहीं रहेंगे तो अभी उनका कैसे होगा? तो नेक्स्ट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम।
In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. Only certain special orbits, known as discrete orbits of electrons, are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. जो फर्स्ट था उसके हिसाब से क्या था उनका कहना कि जो नेचुरल एक ही सर्कुलर पाथ में सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. बोर्स के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या था कि उसमें अलग अलग ऑर्बिट्स हैं और वो ऑर्बिट्स का कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो डिसाइडेड होगा, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेंगे. और जब ये रिवोल्यूशन चालू रहेगा डिस्क्रीट हर एक इंडिविजुअल ऑर्बिट में, तब इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गिव आउट एनर्जी, और अगर वो एनर्जी एक्सपेल नहीं कर रहे, दे विल नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी इन 1916. ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अमंग प्रोफेसर बोर्स न्यूमरस राइटिंग्स, थ्री अपियरिंग बुक्स आर द थियोरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थियोरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर. सो दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो एक्सेप्टेड अभी का मॉडल है वो थोड़ा सा इस हिसाब से जाएगा कि जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद एक आउटर शेल है विच इज नेम टू बी के शेल, और ये सारे एनर्जी लेवल्स के हिसाब से. हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे न्यूक्लियस है बीच में और फिर उसके बाद एक शेल है विच इज लेबल टू बी के शेल, और उसका नंबर जो है दैट इज फर्स्ट नंबर फ्रॉम द न्यूक्लियस पहला आएगा वो. आफ्टर दैट एल शेल है, एन इज इक्वल टू टू. देन द नेक्स्ट इज एम शेल विच इज लेबल्ड, एन इज इक्वल टू थ्री, और फिर लास्ट जो है वो कैपिटल एन शेल, एन इज इक्वल टू फोर. सो द ऑर्बिट्स आर शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स. ये लेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए है, के एल एम एन, और बीच में न्यूक्लियस है, एंड एन इज नंबर 1 2 3 4, नंबर ऑफ द ऑर्बिट. मतलब दोनों तरफ से हम लोग लेबल कर सकते हैं, दैट इज शेल 1 शेल 2. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रॉन्स. अभी जैसे हमने अब जो हम मॉडल स्टडी करते हैं इज सिमिलर टू दिस मॉडल. बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स है, और मास ऑफ प्रोटॉन्स इज हायर 2000 टाइम्स देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यहाँ तक हमें अभी तक पता चला है. और फिर ये बीच में है सारे न्यूक्लियस में, और उसके अगेंस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और उनके ऑर्बिट्स के अलग अलग लेबल्स हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन्स. इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन. इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन. अ मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. जैसे हमने पहले देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो निग्लिजिबल है, तो उसकी वजह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास कैलकुलेट होगा, और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होगा. ओके, तो न्यूट्रॉन्स का भी मास अल्टीमेटली इज 2000 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस सिर्फ हाइड्रोजन. ये एक चीज आपको याद रखनी होगी कि दे आर नॉट देयर इन द हाइड्रोजन. एमसीक्यू के लिए ये बहुत ऐसे फेमस क्वेश्चन है. नाउ द नेक्स्ट, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो अभी जैसे इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस पता चल गया हमें, प्रोटॉन्स का प्रेजेंस पता चल गया, न्यूट्रॉन्स का. अब ये तीन तीन चीज़ों के बारे में हमें क्या पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो जब भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, सो दैट एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ
न्यूट्रॉन्स, ये मैंने लिख के दिया है, वैसे का वैसे आपके नोटबुक में लिखो। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है मास ऑफ एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड एज डैश डैश, उसमें चार ऑप्शन आएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ एनीथिंग। तो उसमें आपको ये आंसर करेक्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास एक एक साथ किया तो एटॉमिक मास मिल जाएगा, और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का सेम रहेगा। नाउ हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड ब्यूरी। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। तो अभी हमने जैसे देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द शेल, और वो शेल को अलग अलग लेबल्स दिए गए हैं, के एल एम एन, ये अल्फाबेटिकल लेबल्स है, और उनको नंबर भी दिया गया है 1 2 3 4। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 × n^2। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन इज इन विच शेल इज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 2 3 और 4, ये चार ही शेल्स होती है, के एल एम एन, राइट? तो उसमें से एन ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 n^2। इस हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम उसमें बैठ सकते हैं वो पर्टिकुलर शेल में, वो हमें पता चलेगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी 2 × 1^2, तो दैट विल कम डाउन योर आंसर टू 2। तो जैसे ये फर्स्ट शेल है विच इज लेबल टू एज के शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे? 2 मैक्सिमम। इट इज पॉसिबल दैट इट कैरीज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स इट, बट अगर एटम को भरते जाना है तो वो कौन से हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके? सो द फर्स्ट के ऑर्बिट और के शेल विल कंप्राइज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड? द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 × n^2, वेर एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द शेल, इट कैन बी 1 2 3 एंड 4। सो फॉर द फर्स्ट शेल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इज 2। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल विल बी इक्वल टू 2 × 2^2, सो विच विल कम टू 2 × 4, विच इज इक्वल टू 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में के बाद आएगा एल, तो वो एल ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 8 होंगे। फिर थर्ड ऑर्बिट और एम शेल विल बी 2 × 3^2, विच इज इक्वल टू 18। एंड फोर्थ ऑर्बिट एन शेल विल बी 2 × 4^2, दैट इज 2 × 16, विच इज 32, एंड सो ऑन। ओके, तो जितने शेल्स होंगे उस हिसाब से, जितने भी एटम इलेक्ट्रॉन का नंबर है उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फील्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। ओके, तो जैसे मान लो कि नंबर है 6, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पहला ऑर्बिट भर गया जिसमें 1 था, फिर दूसरा ऑर्बिट गया उसमें बाकी के सारे 5 चले गए। नहीं, पहले 2 जाएंगे और फिर आउटर ऑर्बिट में 4 जाएंगे, ऐसे ही करके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन स्कीमेटिकली। तो पहले जो 18 एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में दो, अगर पहला एक एक ही स्ट्रक्चर, अगर पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमने देखा था कि न्यूट्रॉन तो नहीं है, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल विल बी हाफ ऑक्यूपाइड। देन लिथियम के लिए कैसा है? लिथियम का क्या होगा एटॉमिक नंबर? 3। तो इस हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले गए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में आ गया है। सिमिलरली जितने मतलब जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उनका शेल्स का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोग अगर देख रहे हैं तो नियॉन ने अभी जैसे देखो 2 शेल्स हैं, फिर उसके बाद क्लोरीन ने मान लो 1 2 3 शेल्स है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर्स के हिसाब से अपना नंबर ऑफ शेल्स विल आल्सो इंक्रीज।
कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, तो वो यहाँ पे दिया गया है आपको, ये देखो, एटॉमिक नंबर, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनका कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, अब भले ही 32 एटम्स बाहर के शेल में जा पाते होंगे, बट मोस्टली बाहर के शेल में इतना ज्यादा नहीं होता है उनका, एक 8 एटम्स मैक्सिमम हो जाते हैं। नाउ वैलेंसी, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से? यस, ओके, वेरी गुड। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? एटम, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे, उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, कौन से शेल में कितने एटम्स जाएंगे उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, ऑर्बिट्स क्या होती है, हर एक साइंटिस्ट के अलग अलग पोस्टुलेट्स हमने पढ़े कि पहले जे जे थॉम्सन ने कैसे मॉडल प्रपोज किया, उसके बाद उनके ड्रॉबैक्स पकड़ के एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट करके रुदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, रुदरफोर्ड के मॉडल के बेसिस पे नेक्स्ट मॉडल विच वॉज प्रपोज बाय नील बोहर, उनका मॉडल विच इज राइट नाउ एक्सेप्टेड। नाउ वैलेंसी, वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन का लिया जाएगा तो के शेल विल बी, और नंबर 1 का शेल विल बी आउटर शेल, तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1। ओके, फिर हीलियम के हो जाएंगे 2, जो सबसे आउटर शेल में, सबसे बाहर जो शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सिर्फ बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी लेबल टू एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्रॉम द बोहर ब्यूरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। तो हमने जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ा उसमें हमने देखा था कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं अकोमोडेट हो पाते हैं। तो फिर जैसे कैपेसिटी होती है उनकी 32 बिठाने की, बट वो बैठ पाते हैं सिर्फ 8 ही। वाई? बिकॉज ऑफ सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, तो ज्यादा करीब तो वो नहीं बैठ सकते, भले ही उसकी कैपेसिटी हो, बट इट विल अकोमोडेट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स के एटम का बाहर वाला जो शेल होगा उसमें पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, वो पूरा भरा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्गॉन, उसके आउटर शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, तो अगर वैसे होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जिनकी वैलेंसी 0 होगी, हीलियम जैसे है, तो फिर वो एलिमेंट्स केमिकली लेस एक्टिव रहते हैं, वो किसी के साथ ज्यादा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो व्हाई इज इट सो? इट वॉज जस्ट ऑब्जर्वेशन, इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0, राइट? दे कैनॉट एक्सचेंज एनीथिंग विथ अदर एटम्स बिकॉज दे हैव देयर शेल्स फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हें एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही स्टेबल बन चुके हैं, और क्योंकि वो स्टेबल है उनकी एक्टिविटी कम रहेगी, जो अनस्टेबल होंगे उनकी केमिकल एक्टिविटी ज्यादा रहती है। ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स द हीलियम एटम, अब जिनकी, हाँ, ये इनर्ट एलिमेंट्स, इनको नाम दिया गया है, सो यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ इनर्ट एलिमेंट्स ऑल्सो। वॉट आर इनर्ट एलिमेंट्स? सो द एलिमेंट्स हु हैव देयर वैलेंसी टू बी 0 और विच कैन नॉट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स और विच आर केमिकली लेस एक्टिव देन द अदर। ओके,
क्योंकि इनका शेल फिल हुआ होता है बाहर का, इनको किसी और एलिमेंट के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती टू गेट स्टेबल. हर एक एटम का अल्टीमेटली एम क्या है, टू हैव स्टेबिलिटी, और इसलिए वो एक दूसरे के से चिपक के एलिमेंट्स बन जाते हैं, राइट. तो वैसे ही अगर उनका शेल सेटिस्फाइड है, खुद में ही 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो वाई इट विल रिक्वायर अनदर फॉर शेयरिंग, राइट. तो फॉर दैट रीजन देर विल नॉट बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल बी लेबल्ड टू एज इनर्ट एलिमेंट्स, दैट इज लेस एक्टिव एलिमेंट्स. सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट, हेलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एट हाँ सो देर इज ओनली वन हीलियम विच इज इनर्ट एलिमेंट एंड इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स और फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो शेल पूरा भरा हुआ होता है. तो अगर वो शेल भरा है तो उसको और किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाकी के जो रेस्ट इनर्ट एलिमेंट्स है उनके सारों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हीलियम इज एन एक्सेप्शन इन विच केस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वॉज दस एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन अ फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल. तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी ये अदर एलिमेंट्स के एटम्स की, वो क्या है कि वो एक दूसरे के साथ कुछ शेयरिंग मेंटेन करना चाह रहे हैं, राइट. और उस हिसाब से देयर टेंडेंसी विल बी टू रिएक्ट और टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद अदर एटम्स विल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वैलेंसी. एन आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वॉज सेट टू पजेस एन ऑक्टेट. एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल. तो ऑक्टेट, 8 के लिए ऑक्टेट वर्ड यूज किया है लैटिन. तो जिसमें ऑक्टेट होगा, जिसमें बाहर इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, दैट विल बी लेबल्ड टू एज स्टेबल. और फॉर दैट टू गेन दैट स्टेबिलिटी द एटम्स विल रिएक्ट विद ईच अदर, विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे विल गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड इन द इन देयर आउटर शेल. दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, दैट इज द वैलेंसी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी सेम ही है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है, उस हिसाब से दैट एलिमेंट विल डिसाइड वेदर टू गिव, वेदर टू गेन और वेदर टू शेयर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल. देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे आर सेट टू हैव वैलेंसी ऑफ 1. कैन यू टेल व्हाट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? सो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12. देन यू कैन नो दैट द वैलेंसी देयर इज 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. सो इट इज 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, बिकॉज मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल्यूमिनियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें ना अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सो वट वी कैन डू इज जस्ट रीड इट वंस अगेन. वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा रिवाइज करके रखो, फिर जो कैलकुलेशन होगा जेड के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कि मान लो आपको सिर्फ मैंने एटॉमिक नंबर दे दिया, तो पहले शेल में कितने जाएंगे, दूसरे शेल में कितने जाएंगे, ऐसे हमें पर्टिकुलर कैलकुलेशन करते करते जाना पड़ेगा. एंड फाइनली वील कम डाउन टू द कंक्लूजन दैट दिस विल बी द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. इसके लिए आपको थोड़ा सा वैलेंसी और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. वो हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. अभी के लिए एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क व्हाट यू कैन डू इज वो जो टेबल है ना वैलेंसी वाला, हमने अभी देखा, ये देखो ये वाला, ये टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करो बस, ठीक है. उसमें क्या क्या आपको फोकस करना है, एटॉमिक नंबर क्या है, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल, तो उस हिसाब से वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज कर दिया गया है एक एक अलग अलग शेल में.
उसमें से आपको पता चलेगा कि हम फाइनली वैलेंसी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, उसका क्या स्टेटस होने वाला है, वो हम ये कैलकुलेशंस में देख पाएंगे। ओके, तो इसलिए आपको फिर से एक बार वो टेबल को अच्छे से देखना होगा, तब आपको वो पता चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग, गेनिंग, लूजिंग ये पार्ट में फोकस करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ थैंक यू एंड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।